भाई और बहन के अटूट बंधन के रूप में मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार आज रीवा के केंद्रीय जेल में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां भाई बहनों के लिए जेल के दरवाजे सुबह से ही खोल दिए गए हैं। वृद्ध महिलाओं से लेकर बच्चियां तक भाई को राखी बांधने जेल में पहुंची हैं, जहां छलकते आंसू और मुस्कान के साथ भाई बहनों का मिलन देखने को मिला। रक्षाबंधन के इस त्यौहार में जेल प्रशासन के द्वारा कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। सुबह 9 बजे से जेल में रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत हुई, जहां 10 बजे तक 2400 भाई बहन इस त्यौहार में शामिल हो चुके थे। बताया गया कि 80 साल की वृद्ध महिला से लेकर 5 साल की बच्ची तक रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जेल में अपने भाई से मिलने पहुंची। सुबह से ही जेल परिसर के बाहर बहनें जेल का दरवाजा खुलने का इंतजार करती रहीं। इधर जेल प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं जेल के अंदर पही पानी व अन्य व्यवस्थाओं के साथ जेल प्रशासन इस त्योहार के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहा था। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी केंद्रीय जेल रीवा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी बहनों को तलाशी करा करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें मोबाइल, पर्स, झोला, बैग इत्यादि मनाही है उसकी, वो लाना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ कैमरों की निगरानी में मुलाकात कराई जा रही है। प्रातः 7:30 बजे से ये मुलाकात प्रारंभ हो चुकी है और ये लगभग 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद भी अगर कोई बहनें आती हैं तो उन सभी की मुलाकात कराई जाएगी। तो सुरक्षा के पूरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। इसमें हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है, ड्यूटी पॉइंट चिन्हित हैं, वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। बाहर से पुलिस बल भी आया हुआ है, वो भी बाह्य सुरक्षा में लगा हुआ है। तो इंतजाम बढ़िया अच्छे किए गए हैं, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रॉपर तलाशी लेकर के एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ अभी तक लगभग 2400 के आसपास बहनें, माताएं, बच्चियां आ चुकी हैं और करीबन 600 से ऊपर जो हमारे बंदी भाई हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो इस तरह लगभग 2500 के आसपास माताएं बहनें आ चुकी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी, इसको देखते हुए मतलब क्या रूल बनाए गए हैं कि इनको मतलब कितना टाइम मिलेगा? लगभग 10 से 15 मिनट का समय दे रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के, जो आपको पहले भी बताया, सुरक्षा के पूरे आयाम बने हुए हैं, मापदंड बने हुए हैं, उनका सभी को पालन करते हुए ध्यान रखना है। और बेहतर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, कूलर आदि सब लगे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा माताओं बहनों को नहीं हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।